ठीक है धनपति, यदि ये वृक्ष तुम्हारे हैं तो तुम इन्हें काट सकते हो, किंतु स्मरण रहे इन वृक्षों में जो घोंसले हैं, उन घोंसलों को और उनमें जो अंडे हैं उनको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। यदि इनको क्षति हुई तो एक निर्जीव की हत्या का दोष लगेगा और इसके लिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। गुरुदेव, अनर्थ हो गया धनपते, अनर्थ। लकड़ियों की कमी के कारण अग्नि बुझ गई। देख रहे हो नंदराज, अनर्थ हो गया और यह अनर्थ उस कृष्णा की वजह से हुआ। अरे मैं तो एक शुभ कार्य कर रहा था, यज्ञ करवा रहा था गोकुल की शांति के लिए, वो भी नहीं करने दिया। धनपति, धनपति, अपने दुष्कर्मों का दोष इन बालकों पर क्यों मढ़ रहे हो? तुम्हें यदि पुण्य कमाना ही था तो ये जो बेचारे लाचार गरीब असहाय लोग हैं इनको भोजन कराइए, इनको घी खिलाइए। यदि ईश्वर का बनाया व्यक्ति ही भूखा है तो ईश्वर तृप्त कैसे होगा? तुम्हारे पास धन है, तुम्हें उसका सदुपयोग करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसका अपव्यय किया है। मैं जानता हूँ अपने पुत्र का पक्ष लोगे। ईश्वर तुमसे कैसे प्रसन्न होगा धनपति? तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होगा धनपति। कर्मों का फल तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। हे मूर्ख मनुष्य, धर्म का ज्ञान देता है, तुम्हें तो ज्ञान भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। भुखमरी और गरीबी का संकट आएगा, धरती का सारा जल सूख जाएगा, सब लोग बस हो जाएंगे, भूत पिशाच का वास होगा।